अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज का हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी मेरी थी नाइट शिफ्ट जो कि तकरीबन 25 मिनट्स में ख़त्म होने वाली है, और इसके बाद हम जाएंगे अभी चेंज कपड़े करेंगे, फिर जाना है जी मैंने कैफे चेस्किट, क्योंकि अभी सुबह मैस भी नहीं होगा और अभी इतनी हिम्मत नहीं है खाना बनाने की। आपके मेरी शक्ल से आपको लग रहा होगा कि अब बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, सीरियसली क्योंकि थक गया हूँ, क्योंकि मेरी आज शिफ्ट ही 16 आवर्स की, 16 घंटे का मेरा काम था, वो मैंने अभी कंप्लीट किया। तो अभी जाते हैं कैफे चेस्किट, वहाँ से खाएंगे कुछ, देखते हैं अभी क्या मेन्यू में होगा और जो दिल करेगा वो लेंगे, और देखते हैं। आप ये है जी जहाँ पे मैं काम करता हूँ, मैग्नेट ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है रशिया में। ले जी हम हो गए रेडी वापस जाने के लिए, काम हो गया ख़त्म, और ये है जी लॉकर रूम जहाँ पे हम अपना सामान वगैरह मैं रख लेता हूँ, और अब चलते हैं वापस। ये असल में चेंजिंग रूम है, यहाँ पे सारे लोग चेंज वगैरह कर रहे थे, कुछ लोगों का कार नहीं चलता ना, तो इसलिए यहाँ पे बास्केट रख लेते हैं। तो अभी पकड़ते हैं बस, 68 नंबर बस आएगी 5:59 पे, 7 पे, इतने पे, और फिर चलते हैं बस की तरफ। ब्रो बस विल बी कम और नॉट, बस विल कम और नॉट, ओके ओके। तो अभी देना है कार्ड, सो पक्का अभी स्नो भी नॉर्मल है। ये है जी ट्रांसपोर्ट यहाँ की, मतलब के ट्रक वगैरह लोडिंग और अनलोडिंग होती है, प्रोडक्ट्स होते हैं हर किस्म के यहाँ पर। अभी काम करके ताज़ा ताज़ा निकले हैं बाहर, तो जिसकी वजह से अभी ठंड नहीं लग रही, लेकिन मैं अभी ब्लॉग बना रहा हूँ ना, जिस वजह से जैकेट जल्दी में की नहीं, क्योंकि बस का भी ध्यान रखना होता है कि बस ना निकल जाए। अगर बस निकल जाए, ये ऐसा हाईवे वाला रोड है ना जहाँ से हमें बस 1 घंटे के बाद मिलेगी, और 1 घंटा मैं इंतज़ार नहीं करना चाहता जी। मैग्नेट बहुत ही बड़ी चेन है, इनके अपने यहाँ पर अंदर पेट्रोल पम्प भी बने हुए, यहाँ से अभी हम एग्ज़िट होंगे, अपना कार्ड वापस करेंगे जो हमने कार्ड लिया हुआ था। दस्तदाने कार्ड दे दिया है गार्ड को, और अब चलते हैं बस की तरफ। बस जो आप उधर है, लेकिन ना मैग्नेट के बिल्कुल सामने अगर हाईवे रोड क्रॉस करके उस साइड पे जाओ, वहाँ से बस मिल जाती है, क्योंकि उनको पता है यहाँ से वर्कर्स ने लोगों ने आना है तो यहाँ पे बस रुकती है, लेकिन वैसे ये बस स्टॉप नहीं है। ये देखें कितना प्यारा ये एरिया है, और ये सारा ना असल में इंडस्ट्रियल एरिया है, पीछे इसके मैग्नेट के साथ ही ओजोन है, आगे वाइल्ड बेरीज है और पेत्रुचका और मुख्तलिफ बने हुए हैं वेयर हाउस। अभी यहाँ से हमने रोड क्रॉस करना, वो सिग्नल वाला तो है नहीं, तो गाड़ियों का देख के खुद ही निकलना है, ये तो असल में इधर ही आ रही। ये रोड मैंने क्रॉस कर लिया, और यहाँ से आएगी छोटी बहन मतरुष्का, 68 नंबर बस, और वेट कर रहे हैं बस का। लो जी टैक्सी में हम बैठ गए, और अब चलते हैं सीधा कैफे, वहाँ पर आपको मिलते हैं। तो अभी मैं आया हुआ हूँ मार्केट में, तो लेने हैं शूज़, पसंद मुझे ये आए हैं 70-90 रूबल के हैं ये शूज़ नाइकी के, ये वाले मैंने वैसे पसंद किए हैं, इसमें कलर ये भी हैं, लेकिन मुझे ये थोड़े से अच्छे लगे हैं, यूनिक से हैं। इसका अब बिल करवाते हैं।
टेनिस शर्ट भी है, स्पोर्ट्स का कल कंपटीशन है तो वाइट शर्ट, और साथ उन्होंने कहा हुआ है ब्लैक शॉर्ट्स, तो वाइट शर्ट मुझे पसंद आई है तो अब ये लेते हैं एक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज का हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरी बर्थडे थी, तो बर्थडे दोस्तों ने केक वगैरह काट लिया। तो असल में फिर जब केक वगैरह काट लिया तो उनको पार्टी देनी होती है, पार्टी में फिर मैंने इनके लिए आज सोचा कि उन्हें बाहर तो रहने थे, बाहर ठंड भी थी, तो हॉस्टल में ही बना रहे हैं, जिसमें चिकन बिरयानी और साथ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, यही होगा हमारा पाकिस्तानी इंडियंस का मेस खाना वगैरह। तो अभी फिर मैं बना रहा हूँ चिकन। चिकन के लिए मैंने प्याज और गर्म मसाले वगैरह डाल दिए। अब चिकन को ब्राउन, सॉरी प्याज को ब्राउन होने तक बनाते हैं। साथ दूसरी तरफ मैंने चिकन को मसाले वगैरह लगा के मैरिनेट करके रख दिए, और अब ये बनाते हैं। बाकी मेरा दूसरा दोस्त बना रहा है, क्या कहते हैं, बिरयानी, वो अब देखते हैं कि उसको कितनी देर लगती है। अब इसके बाद टमाटर डाल देने, क्योंकि काफ़ी लोग आ रहे हैं दोस्त वगैरह, तो उनके लिए अब सब तैयार करें। करी वगैरह वो इधर हो रही है, क्योंकि दो सालन चिकन बिरयानी और साथ पनीर, ये जो नॉन वेज वेज वाले हैं सॉरी, उनके लिए पनीर वगैरह बनेगा। पानी इसलिए गर्म कर रहे हैं क्योंकि पतीला है बहुत बड़ा, और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रहे हैं चावलों को बॉइल करने के लिए। ये दूसरे भाई खाना बना रहे हैं यहाँ पे, इंडियंस हैं और फर्स्ट ईयर के। क्या नाम है आपका? दिनेश। तो इसको हम दे दिया है हमने दम, अब इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाएंगे और चेक करेंगे कि बन गया है कि नहीं बना। बाकी वहाँ पे रुखशान मेरा दोस्त बना रहा है बिरयानी, और बाकी जो 8:30 बजे तक मेरे दूसरे और हॉस्टल से भी ना दोस्त वगैरह आ जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन आया है और कौन कौन नहीं आया, क्योंकि मैंने सबको इन्विटेशन दी है। 10 से 15 मिनट लगेंगे और ये चिकन हमारा रेडी हो जाएगा, और फिर जाके रुखशान की वहाँ पे हेल्प करेंगे। ये जी फाइनल लुक आ गया, बस इसको हल्का सा पानी खुशक होने तक बनाना है, उसके बाद चिकन हमारा रेडी है। ये चावल भी बन रहे हैं, साथ ही पनीर, ये चिकन, अभी ये वाला चिकन भी बन रहा है, और ये वाला चिकन जो मैंने और मेरे दोस्त ने मिलके बना लिए। अच्छे खासे बिरयानी के लिए चावल उबाल लिए हैं। तभी बैठे हुए हैं खाने के इंतज़ार में, मेरे दूसरे दोस्त आना है उन्होंने, तो उनकी वजह से ये लोग बहुत उनको गालियां दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन सारों को लगी हुई है भूख। ये एक है, क्या उसको बोलते हैं, लड़की, सॉरी, ये मोहम्मद भाई हैं, हर वक्त लड़कियों के चक्कर में पड़े रहते हैं। ये सिंगल शदीद सख्त लौंडे हैं, इन बेचारों को कोई लड़की मिलती नहीं है। और ये अपने आविष्कार भाई, इनके दुख ख़त्म नहीं होते, जो लड़की मिलती है धोखा दे के चले जाती है। और ये तो बेचारे वैसे ही हैं, और ये तो अंकल है हमारे, हर आंटी पे फिदा हो जाते हैं जो देखो। बारे में मेरा आप लोगों का क्या ख्याल है? ये वो आदमी है किसी की लड़की को पटा के अगलों का मसला खराब करके बैठ जाते हैं, इसीलिए इनको रुखशान कहते हैं, चार चार लड़कियों से एट अ टाइम बात करते हैं। देख केक नीचे गिरा जो साफ, टी शर्ट से करूंगा मैं, गिराइयों में बैठ के खाना है। हाँ। ये लो छोटा कर।
कैसे रह गया? ब्लॉक कर रहा है, हाँ ये ठीक है। परब वर्ची तैयार हो गया सबके लिए, अब खाना डालते हुए परोसते हुए यहाँ पे सारे दोस्त बैठे हुए। ये जो है ना अंशुल, ये बहुत अच्छा आदमी है, ये देखे ना यहाँ पे गति हरकतें करते हुए।